ये बंद मंचूरियन ऐड होगा, चुकंदर और गाजर। भाई मेरे से पहले कैसे खा रहे हो तुम? मैं फूड ब्लॉगर हूँ, पहला हक मेरा है खाने का। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं घाट के ऊपर की खाऊ गली एक्सप्लोर करने। और भाई बाल तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके, क्योंकि यहाँ पे शूट अभी खत्म करा है मैंने मेट्रो स्टेशन से उतर के घाट के ऊपर के। भाई ये हमारी पहली लोकेशन है WDC अमेरिकन फास्ट फूड, और भाई टाइमिंग से इसके 4 से रात के 12 बजे तक। चलो आपको अपने मैगी पास्ता की मेकिंग दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला आइटम बनना शुरू होएगा, इटालियन मैगी पास्ता। और भाई ये जो शॉप है वो है भाई WTC पास्ता घाट घाट के ऊपर खाऊ गली के अंदर। भाई सबसे पहले हमारी मैगी बॉईल करी जाएगी। भाई यहाँ पे देखो कोयला रख के उसके ऊपर बनाया जा रहा है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। अगर हम बाकी अपने दिल्ली के अंदर तो गैस वगैरह यूज़ होती है, यहाँ पे भी भाई कोयला वगैरह लगा रखा है तो उसमें अपना शूट होएगा। भाई ये थोड़ा सा ऑयल आ गया इसके अंदर। भाई ये चेक करो गाइस, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल आपको यहीं पे मिलेगा। ये आ गई अपनी मैगी मैगी पास्ता के अंदर जाने के लिए। हमारा पानी बॉयल हो गया है और इसके अंदर अब मैगी डालेंगे अंकल। भाई ये गई मैगी हमारे बॉयल होते हुए वाटर के अंदर, बाकी सब मिल जाएगा पास्ता। भाई ये हमारी मैगी। भाई नए नए फूड ब्लॉगर आ गए मार्केट में। भैया आपका चैनल किस नाम से है? चैनल ही नहीं है। भैया बैग भी टांगा हुआ है आपने मेरा। भैया क्या करते हैं आप? इंटर्न पे। इंटर्न पे है भाई, उज्जवल की तरह काम सीख रहा है। रख दो रख दो। भाई ये आ गया इसके अंदर ऑयल। एक सेकंड। भाई मैगी तो हमारी बॉयल हो गई, अब इसके अंदर हमारा पास्ता आएगा। भाई थोड़े से अंदर वेजिटेबल्स आ गई, ऊपर ऊपर से डालना भी ऐसे। भाई चॉप टमाटोज, और फिर से थोड़ा सा ऑयल आ गया इसके अंदर। भाई थोड़ी देर तक मिक्स किया जाएगा, फिर हमारा भाई पास्ता भी बन के रेडी हो जाएगा। और ये मैगी पास्ता है हमारा, इसका जो प्राइस है वह 200 रुपये, 200 रुपीज़ के अंदर आपको मिलेगा। भाई मेरा इंटर्न अभी काम सीख रहा है तो लगा हुआ है बड़े तरीके से। भाई शॉट दिखाओ भाई, कैसे शॉट ले रहे हो आप? भाई बंदा भाई बढ़िया ले रहा है यार, रख सकते हैं उज्जवल की जगह पे। भाई ये हमारे व्हाइट सॉस पास्ता का पेस्ट बनेगा इसमें। अरे नहीं, ऊपर से डालेंगे। भाई ये आ गया इसके अंदर मैगी मसाला। भाई ये आ गई हमारी मैक्रोनी। भाई मैक्रोनी चेक करो एक बार। डाल दो। भाई ये आ गई इसके अंदर मैक्रोनी हमारी। भाई ये आ गई इसके अंदर हमारी मैगी। और फोन एकदम गर्म हो गया, अभी कोयला जल रहा है एकदम गर्मा गर्म। भाई मुंबई के अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा। भाई ये इसके अंदर इसका आ गया पेस्ट, उन्होंने मसाले डाल रखे थे मैगी मसाला इसके अंदर, ओरिगैनो था और भी बहुत सारे चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर रखे थे तो वो उसके साथ मिला के पेस्ट है इसका पूरा। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। ऊपर चलाना भैया। ये कौन सी सॉस है भैया? रेड चिली। शेजवान। ये क्या वो है ना, तो रेड पीने सॉस। ये आ गया इसके अंदर बटर, अमूल बटर भी।
नहीं सही है, मतलब दिल्ली में अमूल बटर इतना ओवर हाइप हो गया ना भैया, हर खाने में बटर, चाय के अंदर भी बटर डाल रहे हैं लोग आजकल। मेरा फोन वापस से जीवित हो गया है और ये हमारा भाई पास्ता भाई रेडी। भाई मेरे से पहले कैसे खा रहे हो तुम, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, पहला हक मेरा है खाने का। बहुत भूख लगी है। भाई बताओ कैसा है इसका टेस्ट? ये काफी अच्छा है, चीजी बहुत है। चीजी बहुत है, 200 रुपए का तो चीजी डाला है। और तुमने खा लिया हो तो मैं रिव्यू कर लूँ, कर लूँ मैं पक्का। तो गाइस हमारा ये बन के रेडी हो गया है। तो भाई भाई को तो बहुत बढ़िया लगा इसका टेस्ट, भाई बहुत ज़्यादा चीज़ ही बता रहे थे, एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। एकदम गर्मा गर्म है, देखो ऊपर से उन्होंने बहुत सारा चीज़ डाल रखा है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ ही हो गया है। मैगी और मैक्रोनी का मिक्सचर है ये भाई, काफ़ी ज़्यादा ऑयली दिख रहा है मेरे को भाई, ऑयल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बाकी देखते हैं भाई वर्थ इट है या नहीं है, 200 रुपये का इसका प्राइस है। भाई बहुत माइंड ब्लोइंग टेस्ट है इसका, बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे भाई ने बताया, एकदम क्रीमी चीज़ी भाई, टेस्ट बहुत जानदार है, एकदम ज़ोरदार टेस्ट है और थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा है, बाकी यार टेस्ट तो बहुत सही है इसका। इसके एक और बाइट लेते हैं और बाकी देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई घाट गोपर तो यार आपको पता ही है भाई, एकदम हब है फूडीज़ के लिए। अभी तो हमारा फर्स्ट वीडियो था यहाँ पर, अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी है। भाई यहाँ का लोकेशन है WTC पास्ता भाई घाट कोपर, बाकी डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मेंशन है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। घर चलते हैं अगली जगह, देखते हैं वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा अपने को। तो भाई चलो ठीक है निकलते हैं। तो देख क्या रखा ना भाई, अपनी पार्टी खाने में लगी हुई है। कैसा लगा नितेश? बढ़िया भाई। दीपक भाई कैसा लगा? नहीं भाई गोबू नहीं खिलाना भाई, पास्ता खाएगा भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। अभी पास्ता ट्राई करा, पास्ता थोड़ा सा टाइम ही था और भाई क्वांटिटी अच्छी खासी थी उसकी 200 रुपए के हिसाब से, मगर मेरे तो पेट भर गया इतना सुबह से खाने में लगे हुए हैं। पर अभी देखते हैं अगली जगह कहाँ जाना है, अभी देखते हैं घाट के ऊपर हम बहुत सारी जगह बची हुई शूट करने, वीडियो बने रहना, चलो चलते हैं अगली जगह शूट करने। ये लक्ष्मी डोसा, अब हमारे लक्ष्मी डोसा पे घाट के ऊपर के अंदर भाई यहाँ पे बन रहे हैं एक बार में, देखो 3 डोसा लगातार, और अभी हमने ऑर्डर करा अपना मंचूरियन डोसा। तो भाई गाइस वो भी एक बार चेक करते हैं मंचूरियन डोसा कैसा है यहाँ का। हमारा मंचूरियन डोसा बनना शुरू हो गया है, ये चेक करो भाई, ये आ गया इसके ऊपर बटर भाई, चॉप्ड अनियंस और थोड़ी सब्जियां आ गई इसके ऊपर भाई, कैप्सिकम भाई, पनीर डाल दिया भैया ने इसके अंदर, मंचूरियन ऐड होगा, चुकंदर गाजर भाई, ये शेजवान सॉस ऐड कर दी बिरयानी इसके अंदर भाई, एक साथ लाइन से भाई कितने सारे डोसे बन रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी फेमस दुकान है इनकी, लक्ष्मी डोसा यहाँ का नाम है भाई। जो उसका प्राइस है वो है 180 रुपये, मसाले ऐड हो रहे हैं अभी इसके अंदर, देखते हैं भाई बर्थ इट है या नहीं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ोन फिर से हीट ना कर जाए मेरा, मेरे को ये डर लग रहा है भाई। चिंग्स की सॉस डाल दी भाई, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, टमाटो केचप भाई, ये चेक करो ये हमारा डोसा भाई, ये आ गए इसके अंदर नूडल्स भाई, तो पूरा हमारा चाइनीज डोसा बन गया, स्प्रिंग अनियन थोड़े से, ये इसको भाई भैया ने कर दिया इस तरीके से एकदम मिक्स, ताकि एकदम स्वाद जो है भाई जेन्युइन है आपको। फ्लेवर्स तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के खाने के ये आ गया इसके ऊपर चीज़, ये हमारा डोसा आ गया और ये हमारा डोसा बन के रेडी। ये आ गई नारियल की चटनी, अरे रेडी हो गया, देना भैया शेजवान सॉस भी आ गई इसमें और ये हमारा डोसा सेट रेडी हो गया। तो बन के रेडी हो गया शेजवान पनीर मंचूरियन डोसा गाइस, ये चेक करो
भाई इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं इन्होंने, नूडल्स हैं, हमारा मंचूरियन है, बहुत सारा चीज़ है भाई, एक बार इसे भी ट्राई करके देखते हो। इनका डोसा है भाई, साथ में इन्होंने नारियल की चटनी और शेजवान सॉस दे, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हम 5-6 लोग आराम से खा लेंगे भाई। क्वांटिटी इतना ज़्यादा है मैं क्या बताऊँ बस। और इसका प्राइस 180 रुपीज़ है, बस टेस्ट करके देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो, बट डोसा ट्राई करते हैं। डोसा तो एकदम पेपर थे ना इनका भाई, इतना थक गए यार घूम घूम के खा खा के कि मतलब रिव्यू करने का ही मन नहीं कर रहा है। भाई जो मेन फ्लेवर्स हैं वो इसके जो मंचूरियन बनाए इन्होंने उसके ऊपर नूडल्स डाल के पूरा, मैं मेन दम इसी में ही है। और बाकी डोसा भी इनका एकदम पेपर थे ना, फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं जो इन्होंने इसके अंदर मसाले डाल रखे हैं, बस उसका फ्लेवर्स और अरोमा जो आ रहा है भाई बहुत सही आ रहा है। बस सिर्फ इसको भी ट्राई करके देखते हैं भाई। नूडल्स थोड़े मोटे मोटे नूडल्स हैं सर, वेजिटेबल्स भी बहुत सारे डाल रखे हैं। भाई 180 रुपीज़ के हिसाब से पूरा वर्थ इट है कम्प्लीटली, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। तो बाकी यार चलो दो जगह तुमने शूट कर ली, अब देखते हैं थर्ड जगह कहाँ शूट करना है हमें। भाई ये देख रहे हो टांगा यहाँ पे मुंबई में, भाई ये सब भी मिलता है यहाँ पे भाई नेक्स्ट जगह तो हम घाट कोपर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो है घोड़े की सवारी भैया एकदम फुल तेज भगा दो भाई, फिर गाड़ी घोड़ा सब साथ में चले और तेज भी और तेज पीछे कर रहा कैमरा। ये मैं दिल्ली छोड़ देंगे मेरे को ये इस पे दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे, गाली वाली नहीं देता भाई मैं शरीफ हूँ, मुलुन तक तो छोड़ देंगे थाने तक भी छोड़ देंगे, सही है भाई